बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से हड़ताल की राह पर जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। 11 मार्च तक डॉक्टर्स ने कहा है कि काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। और इनकी मांग क्या क्या है? इनकी मांग सबसे पहले तो ये है कि इनकी सैलरी, ये वेतन जो इनको मिलता है, ये 1,00,000 रुपए इनको मिलना चाहिए। एजुकेशन फीस इनकी होनी चाहिए कम और वेतन होना चाहिए ज्यादा। एक चीज और है, वो है रूरल बॉन्ड खत्म किया जाए। क्या है ये रूरल बॉन्ड ललित? मेरा ख्याल है कि गांव में काम करने की जो एक बाध्यता होती है, अनिवार्यता होती है, बाध्यता नहीं अनिवार्यता होती है, इससे लेकर, और ये पिछली बार भी पुनीत इसी तरह की मांगे उन्होंने रखी थी, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज रहते हुए उन्होंने कहा था कि नहीं, गांव में तो आपको वक्त देना होगा। आप डॉक्टर बन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का हाल वैसे भी, चिकित्सकीय सुविधाओं का हाल वैसे भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जूनियर डॉक्टर जो कल के डॉक्टर बनेंगे, ये कह रहे हैं कि उस बॉन्ड को अनिवार्यता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाएं सेवाएं देने की अनिवार्यता, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। यानी हम ग्रामीण क्षेत्रों में चाहें तो काम करें, ना चाहें तो ना करें, अनिवार्यता नहीं होना चाहिए, ये इनकी डिमांड है। और जाहिर तौर पर गांव में काम करने जाने से हर कोई बचने की कोशिश करता है। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। वासु, एक बार फिर से ये जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं, हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। वेतन ज्यादा होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में काम हम करना नहीं चाहते और एजुकेशन फीस कम होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, एक तरफ तो लगातार राज्य सरकार प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने के लिए काम कर रही है, कई जगहों पर मेडिकल कॉलेजेस प्रस्तावित हैं, कई जगहों पर नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है, लेकिन इनमें काम करने वाले और इनमें पढ़ने वाले जूडा जो होते हैं उनकी कई मांगें हैं जिनको लेकर बार बार सरकार के बीच, प्रशासन के बीच और जूडा के बीच एक विरोधाभास की जो स्थिति है वो बनी रहती है। और हर 2-3 महीने के अंतराल में हम देखते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर जाने या विरोध करने के अलग अलग तरीकों को अपनाते हुए नजर आते हैं। सरकार बार बार ये दावा करती है कि जो जायज मांगे हैं वो हमने पूरी कर दी हैं, डॉक्टर्स को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन उसके बावजूद जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारी जो वेतन है वो काफी कम है, कई अन्य सुविधाएं हैं जो दूसरे स्टेट्स के जूनियर डॉक्टर्स को मिलती है वो हमें नहीं मिलती, तो उनको बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जूनियर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि MP में जो मेडिकल एजुकेशन की फीस लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है, उसको कम करना चाहिए, एक नॉमिनल फीस लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ सेवाएं भी देते हैं। रूरल बॉन्ड को लेकर भी जूनियर डॉक्टर्स लगातार लामबंद रहते हुए आए हैं और इसे खत्म करने की, इसकी जो बाध्यताएं रहती हैं, अनिवार्यताएं रहती हैं, उसको समाप्त करने की या जो नियम और शर्तें होती हैं उसमें सरलता की मांग जो है। इनकी वजह क्या बताते हैं कि क्यों खत्म हो जाना चाहिए ये? बिल्कुल, देखिए रूरल बॉन्ड में साफ तौर पर एक अनिवार्यता ये होती है कि जब आप अपनी एजुकेशन पढ़ाई पूरी करते हैं उसके बाद आप जाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दें। इसके पीछे का सरकार का तर्क ये है कि जब आप रूरल एरियाज़ में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ देते हैं, तो उससे आपका एक्सपीरियंस एनहेंस होता है, आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं अलग अलग हेल्थ कंडीशंस और जो ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य को लेकर जो आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें हैं, उन पर आप बेहतर रूप से उनको मदद कर पाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम लोग तो पढ़ाई के दौरान ही सारी चीजों को देखते हुए आते हैं, तो ये नहीं इतना अनिवार्य होना चाहिए। जी, गांव नहीं जाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बिलासपुर का रुख करेंगे। शिक्षक को गिरफ्तार किया गया, टीचर को गिरफ्तार किया गया है, अश्लील हरकत करने पर यह एक्शन लिया गया है। दरअसल शिकायत हुई थी, छात्राओं ने टीचर की शिकायत की गई थी, DEO को ये शिकायत की गई थी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने टीचर को सस्पेंड किया था और सस्पेंड करने के बाद अब शिकायत पर पुलिस ने भी संज्ञान लिया और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो लगातार न्यूज 18 प्रमुखता से इस मामले को उठा रहा है। बिलासपुर का ये पूरा मामला है, कमलेश साहू इसका नाम है, और कई छात्राओं ने, पहले एक छात्रा की शिकायत निकल कर आई, कई छात्राओं ने इस बात की शिकायत की, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, इसके बाद विभागीय जांच के बाद FIR तक मामला और अब गिरफ्तारी। इस धमकीबाजी की भी चीजें इसमें सामने आई थी
कि दूसरे जो जांच की गई थी उन्हीं लोगों को धमकी भी देने की बात सामने आई थी, शिकायत की गई थी। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर।